आकलन भी करता है, वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकार कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। यह आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है, इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के, इसके लिए जो दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे, तब भी इनकी चाल सफल हो नहीं पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला। साथियों, आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कान खोल के सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। साथियों, महाराष्ट्र के इस चुनाव ने